एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता गोयल इस वक्त डिस्कस करने वाली हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो जानने से पहले, अगर आप फ्रेंड्स चैनल पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, ये बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है मेरे व्यूअर की, उनका नाम है अनिल कुमार। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कोई चेंज लाना कंपनी में, और ये कंपनी चेंज क्यों लाती है, क्योंकि कंपनी को बहुत टाइम से लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो व्हेन अ कंपनी इज सफरिंग लॉस फॉर सेवरल पास्ट ईयर एंड सफरिंग फॉर फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो जब कुछ ऐसा होता है तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचती है, मतलब वो चेंज करने के बारे में सोचती है। बैलेंस शीट शो ह्यूज एक्युमुलेटेड लॉसेस, हैवी फिक्टिशियस एंड इनटेंजिबल असेट्स और इज इन देयर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। हमने ये देखा कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब कोई चेंज लाना कंपनी में, और चेंज कंपनी क्यों लाती है जब कंपनी को कंपनी चलाने में दिक्कतें आ रही होती हैं। अब ये हमारे दो तरीके से होते हैं, एक हमारे होते हैं इंटरनल और एक हमारा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल का एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का। अब क्या है, ए बी सी कंपनी है, ये क्या है, एक ऑलरेडी कंपनी है, एस्टैब्लिश है एक मार्केट में। उसने क्या करा, अपने मेमोरेंडम में चेंज लाई और सारी पॉलिसीज में चेंज लाई, उसने एक नई कंपनी फॉर्म करी जो कि थी एक्स वाई जेड, और ये जो कंपनी थी ये क्या हो गई, बंद हो गई। अब मार्केट में ये कंपनी क्या है, नहीं है, और एक्स वाई जेड है, मेंबर्स वही है उस कंपनी के जो पहले थे, पर पहले उसको एबीसी के नाम से जानते थे और अब उस कंपनी को किसके नाम से जानेंगे, एक्स वाई जेड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इतना क्लियर हुआ एग्जांपल। फिर क्या है, इंटरनल में क्या है, एबीसी है और अगेन एबीसी है, मतलब नाम उसका एबीसी ही है, कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही, कोई पहली वाली कंपनी बंद नहीं हो रही, डिसोल्यूशन नहीं हो रही, इसके अंदर ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जब कंपनी इंटरनली कुछ चेंज करके अपने आगे का प्रोसीजर करती है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस देखा, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, जैसे हमको जिस चीज़ में लॉस हो रहा है वो चीज़ उनको लॉस ना करे, तो टू जनरेट सरप्लस फॉर रिटर्न ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस एंड राइटिंग डाउन ओवरस्टेट असेट्स, टू जनरेट कैश फॉर कैपिटल असेट्स नीड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स एंड टू ऐड बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स। अब हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। अब क्या होता है, हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ा कि कंपनी वो ही रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, इतना हमने पढ़ा। तो द क्लेम ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर्स होल्डर, क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटीज आर अल्टर और रिड्यूस। ठीक है, जो उनकी क्लेम्स हैं वो तो अल्टर हो जाते हैं, मोस्टली रिड्यूस ही जाते हैं। सो द एक्युमुलेटेड लॉसेस आर रिटन ऑफ। इट इज ऑल्सो टर्म एज रीऑर्गेनाइजेशन विच परमिट द एग्जिस्टिंग कंपनी टू बी कॉन्टिन्यू। हमने यही पढ़ा था, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को, दोबारा से चेंज कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग कंपनी को ही हम चला रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब क्या है, हमारे मेथड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कि कितने मेथड से हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर मैं कुछ कैपिटल, शेयर कैपिटल में चेंजेस कर दूँ, ठीक है, या सब डिविजन कर दूँ, या वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स कर दूँ, कन्वर्जन ऑफ शेयर कर दूँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर दूँ, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स हैं, सिलेंडर ऑफ शेयर्स हैं, ये सारे क्या है, मेथड है। और सब मेथड जो हमने सब डिवीजन और कन्वर्जन पढ़ा, ये अल्ट्रेशन का पार्ट है, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल असेट। मतलब इस मेथड से क्या होता है, हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर हमने बात करी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में मैंने क्या पढ़ा था, हम एक नई कंपनी बना रहे हैं और पुरानी कंपनी कर रहे हैं हम बंद कर रहे हैं, हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द सेल ऑफ अ बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। जो भी हमने पढ़ा कि मैं सेल कर रही हूँ बिजनेस किसका, पुरानी वाली कंपनी का, ठीक है, उसमें क्या है, एक कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो रही है,
और दूसरी कंपनी क्या हो रही है, बन रही है। तो लिक्विडेट कंपनी को मैं बोलूंगी वेंडर कंपनी और न्यू कंपनी को बोलूंगी परचेजिंग कंपनी। अब बहुत बच्चों को समझ नहीं आता या कंफ्यूजन हो जाती है कि वेंडर कंपनी हम याद कैसे करें। वेंडर है हाँ, वो हमें सामान बेचता है, शॉपकीपर है, वेंडर है, वो हमें सामान बेचता है। तो जो चीज बिक रही है, जो कंपनी बिक रही है, वो वेंडर कंपनी, ऐसे याद करो, ठीक है। शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द परचेजिंग कंपनी, क्योंकि हमने क्या बात करी कि पर्सन वही रहेंगे, बस क्या है कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, थोड़ी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है, मेमोरेंडम में चेंज आ रहा है। फिर हमने डिफरेंस पढ़ लेते हैं और फिर हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस क्या है। इंटरनल में क्या पढ़ा था, कंपनी वही रहती है तो नो न्यू कंपनी इज फॉर्म। एक्सटर्नल में क्या हमने देखा था, एबीसी से क्या हो गई थी, एक्स वाई जेड, तो न्यू कंपनी बन रही है। इसमें क्या है, नो कंपनी इज लिक्विडेट, इसमें एक कंपनी है जो लिक्विडेट हो रही है। इसमें क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें कोर्ट की रिक्वायरमेंट मतलब फॉर्मेलिटी, हमें उसकी कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है क्योंकि आपको पता है थोड़ा कोर्ट के प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये वाला। और जो कंपनी है इज एबल टू सेट ऑफ इट्स पास्ट लॉसेस अगेंस्ट द फ्यूचर प्रॉफिट्स। और एक्सटर्नल में क्या था कि हमें इसमें कोर्ट की कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत स्मूथली चलता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। और जो पास्ट लॉसेस हैं ओल्ड कंपनी के, कैन नॉट बी सेट ऑफ, क्योंकि कंपनी तो नई बन रही है, उसकी नई आइडेंटिटी है, तो हम न्यू कंपनी से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग कंपनी है, वो अलग कंपनी है, पर इंटरनल में कंपनी सेम थी तो हम इसलिए सेट ऑफ कर सकते थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने इसमें पढ़ा था कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके दो टाइप्स हमने पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर हमने एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस देख लिया था और हमने ये भी देखा था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कितने टाइप से हो सकता है। ये वीडियो इतनी ही, आई होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी।